दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। महिला थाने में एक विवाहिता ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित विवाहिता का आरोप था कि उसने कुछ समय पहले पुलिस को शिकायत देकर पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर पर्चा रद्द कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला थाना सिटी इंचार्ज का कहना था कि पीड़ित महिला का पति डीसीपी के समक्ष पेश होकर इस मामले की इंक्वायरी लगा चुका है और उसके पति शुभम पर लगे आरोप बेबुनियाद निकले और उसके खिलाफ पर्चा रद्द करना पड़ा। मेरे बच्चे काट दिता सी मेरे सहुरे परिवार ने, फिर मैं धक्केशाही खा के धक्के खा के अपने सहुरिया से परचा दर्ज करवाया। सिर्फ वो विचों मेरे हसबैंड से इन्होंने परचा दर्ज किया, जो कि बाकी परिवार से नहीं किया। आ दो मेरिया बेटिया वा छोटिया छोटिया बीमार मेरिया बेटिया वा, मेरी कितने नहीं सुनवाई हो रही। मैं इन्ना परेशान हो चुकी, इन्होंने तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। मुकदमा कैंसल कर दिया। सुमन की शादी जी शिवम चौहान 4/6/13 हुई सी, उस तो बाद इन्होंने कंप्लेंट की हाई कोर्ट, उस तो बाद परचा दर्ज किया 498A 506 IPC का थाने महिला दर्ज होया। उस तो बाद लड़के ने फिर एक इनक्वायरी लवा दी डीसीपी साहब को, भी मेरे ते जिहड़ा परचा नजायज होया वे, भी इसकी पहला भी शादी हुई है, इस करके उन्होंने इनक्वायरी लाई। उस तो बाद परचा डीसीपी साहब ने इनक्वायरी तो कैंसल कर दिता है। अवतार सिंह का तो कोई कसूर नहीं, अवतार सिंह को इनक्वायरी चलती सी पहला डोरी की। उस तो बाद जो लड़के ने एक दरखास्त दी भी मेरे ते नजायज जो परचा दर्ज होया डीसीपी साहब, उन्होंने इनक्वायरी करने तो बाद ये जो परचा कैंसल किया।